नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में तीन स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे आज के दिन बड़े सौदे हुए हैं, बल्क डील हुई है, उनका ही पॉजिटिव और कहीं कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला है स्टॉक्स पर। क्लीन साइंसेस स्टॉक 5% चला है, सूर्योदय और एक्सारो टाइल्स जो है गिरावट के साथ आज के दिन कारोबार किए हैं। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए स्क्रीन पे आप NSE का जो है डेटा देख रहे हैं, आज की डेट का 18 अगस्त 2021 को क्लीन सिंबल है और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का नाम है। प्लूटस वेल एंड मैनेजमेंट LLP एक प्राइवेट फंड है, इन्होंने 5,75,000 शेयर्स यहाँ आज की डेट में बाय किए हैं 1518 के प्राइस पर, डिलीवरी बेसिस पे, यानी दमदार डिलीवरी आज की डेट में स्टॉक में उठी है। तो देखिए बात करें इंट्राडे में आज के चार्ट की, तो 1585 पे क्लोजिंग दी है, यानी करीब 6% की दमदार तेज़ी के साथ। तो मार्केट के सेकंड हाफ में आप देखेंगे अच्छा खासा स्टॉक में स्पाइक आते हुए देखने को मिल रहा है। 1515 के प्राइस पर बाई किया है इन्होंने और आज के दिन इनका जो है प्राइस से काफ़ी ऊपर स्टॉक में इनको बंदी मिल गई है। जो बायर हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। 5 दिन का चार्ट देखेंगे, फ्लैट आपको कारोबार दिखेगा। 1 महीने में स्टॉक आपको डाउन दिख रहा है, बिल्कुल मामूली सा, यानी करीब करीब फ्लैट सा ही कारोबार है। और मैक्सिमम चार्ट बताऊँ तो 19 जुलाई 2021 को स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 1585 के प्राइस पे और उसी प्राइस पे आज की डेट में स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक करीब 1700 तक के भी हाई लगाकर आया था। तो देखिए क्लीन साइंस का डेली चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतना ही टोटल चार्ट अभी तक कंपनी का अवेलेबल है। ऑल टाइम हाई की बात बताऊं तो स्टॉक का 1780 का हाई लगा था और लो की बात बताऊं तो 1740 का है। तो देखिए इस दिन एक बड़ी सी कैंडल आप देख रहे हैं, यानी ये इस 1440 का भाव है, यानी 1500 से नीचे का जो भाव है वहाँ पे स्टॉक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वहाँ पे तेज़ बाइंग आती है। आज की डेट में भी आप देखेंगे स्टॉक जो 1500 के नीचे गया था एक लंबी सी टेल बनी है, यानी बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग किया यहाँ पे जो है बाइंग आई है, अपोजिट बोल गया, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ आपको बाइंग आते हुए देखने को मिली। नीचे की स्तर में किसी ने इसको ग्रैब कर लिया तो भैया बहुत अच्छा आपने काम किया है, इसको होल्ड कर सकते हैं। और CMP भी कोई बाय करना चाहता है तो आराम से करिए, लेकिन बाय का व्यू आपको थोड़ा लॉन्ग रखना पड़ेगा। और कल के टारगेट के लिए या आने वाले 2-4 दिनों के टारगेट के लिए एक्सपेक्टेशन की बात करें तो सबसे पहला एक छोटा सा हर्डल है जो कि स्टॉक का आप 1600 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ने 3-4 बार 16 को सपोर्ट लिया और फाइनली इसको ब्रेक किया था, तो यही अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 1600 को स्टॉक ब्रेक करेगा तो फिर ज़्यादा और अच्छी तेज़ी इसमें आपको आते हुए देखने को मिलेगी, अच्छे वॉल्यूम डेवलप हो सकते हैं। करीब 1630 तक के अल्टीमेट टारगेट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो देखिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, ये भी नया लिस्टेड ही स्टॉक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी। 18 अगस्त 2021 आज की डेट में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में या कुबेर इंडिया फंड ने बाय किए हैं करीब 20 लाख शेयर्स 166.74 के प्राइस पे। और साथ ही एक बिकवाली भी हुई है यहाँ पे दबा के, TVS श्रीराम ग्रोथ फंड एक है, इन्होंने सेल किए हैं आज की डेट में शेयर 166.92 के प्राइस पे, 20,50,000 करीब करीब जो है जितने बाय हुए हैं उससे थोड़े से ज़्यादा बल्कि यहाँ पे सेल हुए हैं, सेलिंग का दबाव आज की डेट में यहाँ बना है। तो देखिए बात करें अगर स्टॉक के आज के इंट्राडे के चार्ट की, कैसा कारोबार किया है, ओपनिंग स्टॉक की ठीक ही हुई थी, कल का प्रीवियस जो क्लोजिंग है 172.40 का उसके पास ही हुई थी, लेकिन मार्केट जैसे जैसे स्लिप हुआ स्टॉक कंटिन्यू फिसलते हुए देखने को मिला, 6% के आसपास की आज के दिन में 6% की गिरावट आज के दिन स्टॉक में हुई है। और बात करें चार्ट की हिस्ट्री की, देखिए 5 दिन में स्टॉक काफ़ी लुढ़का है, ऊपरी स्तरों से 12% करेक्टेड है, 1 महीने में तो 25% स्टॉक गया, 6 महीने की बात करेंगे तो लिस्टिंग के बाद ऐसा लग रहा है ये उल्टा स्टॉक इसका चलते हुए देखने को मिल रहा है, उल्टा जो चार्ट क्रिएट हो रहा है, करीब 42% डाउन है। ईएलटी डेट पे भी इतना ही और एक साल में, यानी स्टॉक की लिस्टिंग जो है इसी साल की है 26 मार्च 2021 के 277 की प्राइस की लिस्टिंग है और वहाँ से स्टॉक देखिए मतलब भयंकर गिरावट हुई है, इसको कहते हैं कि वास्तव में। तो देखिए ये डेली चार्ट आप इसको स्टॉक का देख रहे हैं, बहुत ही बुरा चार्ट है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, कहीं कोई बाइंग का संकेत आपको दिखेगा नहीं। मैं आपको वीकली चार्ट इसका दिखाऊंगा, मुझे लगता है कंटिन्यूस हर वीक में आपको रेड कैंडल शो हो रही है, और मंथली दिखाऊंगा तो फिर एक भी या एक ग्रीन दिख रही है आपको, वो भी नामात्र है। तो देखिए भैया किसी ले रखा है तो फिर आप जाने क्या करना है, क्योंकि स्टॉक ऐसा है कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर है कोई नया बाय करना चाहता है तो भैया इसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक ही पसंद है तो आज सस्ते दाम पर आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल होता है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन ये एक कचरा स्टॉक ही दिख रहा है जैसा कि इसका चार्ट है, इसको इग्नोर करिए। तो देखिए बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जो कि 18 अगस्त 2021 को एक्सारो टाइल्स रीसेंट लिस्टेड ये स्टॉक है। 5% के गेन के साथ स्टॉक की ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद दबाव ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रहा है। GDN वेंचर्स LLP एक फंड है, इन्होंने यहाँ पर सेल किए आज के डेट में 4 लाख शेयर 123 के भाव पे। साथ ही एक फंड ऐसा भी है जिन्होंने नीचे के दाम पे यहाँ शेयर्स उठाए हैं, आज के डेट में 3,58,000 शेयर्स बाय किए हैं 122 के प्राइस पे, जो कि नेक्स्ट पैक्ट लिमिटेड एक कंपनी है।
तो देखिए बात करते हैं हाल ही में लिस्टेड एक कंपनी की जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 120 के प्राइस पे इसका आईपीओ आया था और आज की डेट में 124 के प्राइस पे आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन 3% की गिरावट इंट्राडे में स्टॉक ने बनाई है। 5 दिन के बाद अगर 4% डाउन है, 6 महीने में स्टॉक 6% डाउन है जो कि आप देख सकते हैं। 132 का स्टॉक ने हाई लगाया था जिस दिन ओपनिंग हुई थी, 126 के प्राइस पे 132 का हाई लगाया था और स्टॉक की क्लोजिंग आप देख रहे हैं आज की डेट में 124 पे है। तो देखिए अगर डेली चार्ट की बात करें तो 3 ही ट्रेडिंग सेशन स्टॉक को हुए लिस्ट हुए आप देख रहे हैं और आज की डेट में स्टॉक ने न्यू लो लगा दिया है जो कि इसका ऑल टाइम लो बन चुका है 121 रुपये का। तो देखिए जिस तरह का मार्केट चल रहा है और इन स्टॉक्स को वैसे भी कुछ खास जो है एक मार्केट का वो नहीं मिला है, रेस्पॉन्स भी नहीं मिला, बहुत ही फीकी सी लिस्टिंग हुई है। तो देखिए हो सकता है ये स्टॉक आपको थोड़ी बहुत और गिरावट दिखा सकता है। अगर 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ मैं तो ये देख सकते हैं आज की डेट में स्टॉक ने बाय द वे लोअर सर्किट भी हिट किया था जो कि यहाँ एक डॉट आप बनते हुए देख रहे हैं, ये लोअर सर्किट के था, फिर तेज़ी से स्टॉक में आपको बाइंग आते हुए देखने को मिली है। और अगर फिर भी इसे कोई बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा और वेट करिए, और स्टॉक अगर आपको नीचे मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा और साथ ही लॉन्ग व्यू के साथ डालें और ज़्यादा अमाउंट ना डालें, थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट इसमें करें। चलिए बात कर लीजिए इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर आज की डेट में आज की डेट में जो है कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना है और बल्क डील की खबरें थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।